तो हमने पिछली वीडियो में एक एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल को समझा था और हम आज इस वीडियो में डिजिटल सिग्नल्स की एग्जांपल को समझेंगे। So, this is Finashu Khallar and welcome to the new lecture of our digital electronics. Before starting today's video, make sure you press the like button and comment below. Don't forget to subscribe to my channel and click on the bell icon and turn on the all notifications for our new latest videos. So, without wasting any time, let's just get started. तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एक एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूअस सिग्नल होता है और वो एनालॉग सिग्नल किसी भी वैल्यू को वेरी कर सकता है, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स में ऐसा नहीं होता है। डिजिटल सिग्नल दो स्टेट्स के अंदर वेरी करता है, या तो वो एक्टिव होगा या तो वो इनएक्टिव होगा। यहाँ पर एक्टिव को हम 1 बोल सकते हैं एंड इनएक्टिव को हम 0 बोल सकते हैं। अगर हमारा सिग्नल एक्टिव स्टेट में होगा या हमारा 1 होगा तो वहाँ पर हमारी ट्रांजिशन चलेगी। अगर हमारा सिग्नल इनएक्टिव स्टेट में है या वहाँ पर 0 है तो हमारा वो सिग्नल इनएक्टिव होगा, मतलब कि वहाँ पर हमारी ट्रांजिशन नहीं होगी। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक लाइट की स्विच है, उसकी भी दो स्टेट्स होती हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। जब हम उस स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी लाइट ऑन हो जाती है, और जब हम उस स्विच को ऑफ करते हैं तो हमारी लाइट ऑफ हो जाती है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जब हम उस स्विच को ऑन करते हैं मतलब कि जब उसका सिग्नल ऑन होता है तो हमारी लाइट जग रही होती है, और जब हम उसे ऑफ करते हैं मतलब कि हमारा सिग्नल 0 पर है तो वो लाइट ऑफ हो जाती है। तो चलिए अभी एक एग्जांपल देखते हैं डिजिटल सिग्नल्स की। तो मान लीजिए मुझे अपने कंप्यूटर से किसी अपने दोस्त को एक डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो डॉक्यूमेंट कैसे ट्रांसफ़र होता है, जहाँ वो डॉक्यूमेंट होता है किस फॉर्म में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है, जहाँ उसके पीछे का जो भी प्रोसेस है, तो चलिए उस प्रोसेस को समझते हैं। तो मान लीजिए मेरी किसी दोस्त का नाम परवीन है, तो अब हमें इस परवीन को एक डॉक्यूमेंट सेंड करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो डेटा है वो डिजिटल डेटा की फॉर्म में है। तो अभी वो डिजिटल डेटा कैसे है, जैसे कि हमने एक पिछली एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जैसे ही हम कंप्यूटर पर कीबोर्ड के द्वारा कुछ टाइप करते हैं तो उसके लिए एक ASCII कोड होता है, और वो ASCII कोड बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से हमारा डेटा एक डिजिटल डेटा की फॉर्म में है। तो हमारा परवीन्स डॉक्यूमेंट एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है। जो ये डिजिटल डेटा है ये एक ब्लॉक की फॉर्म में होता है या एक सेट की फॉर्म में होता है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज का बना होता है। इसमें हमको 0101 की फॉर्म देखने को मिलती है। तो अभी ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है और ये एक सेट के अंदर स्टोर है, तो इससे हमारी इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस कम होते हैं। तो अभी देखिए, जैसे ही मैंने इस परवीन्स डॉक्यूमेंट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया तो ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट एक सिग्नल के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इसमें हमारा कोई डेटा लॉस्ट भी नहीं होगा। तो जब दूसरे पर्सन के पास ये डॉक्यूमेंट पहुंचेगा, तो जब वो इसको ओपन करेगा तो वो डिजिटल डॉक्यूमेंट होगा, मतलब कि वो 01 की फॉर्म में होगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा कि उस बाइनरी डेटा को एक ओरिजिनल डेटा में चेंज कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जो डेटा हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में गया तो वो एक डेटा सेट के रूप में गया। तो जब वो डेटा सेट को फिर से कन्वर्ट किया जाएगा एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, तो उस डॉक्यूमेंट में हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होगी, वो हमें एज इट इज़ मिल जाएगा। तो उस परवीन्स डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन को रीड करने में हमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, तो हम आसानी से उस डॉक्यूमेंट को रीड कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।